हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सर्दी हो या गर्मी हो, लोग सोचते हैं कि कोई हिल स्टेशन जाएं जहां पर एंजॉय कर सकें। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो हम जा रहे हैं इस बार देहरादून। मसूरी एक्सप्रेस ये लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये पुरानी दिल्ली टू देहरादून आप बुक कर सकते हैं और बहुत ही कम किराया है, ज़्यादा फेयर नहीं है। आप इंजॉय कर सकते हैं जाकर वहाँ पर। वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कितने हिल स्टेशन हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत खूबसूरत जगह है। हम पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कैसे जाना है, कहाँ पर बुकिंग करनी है और कहाँ पर आपको ठहरना है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ये देखिए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन का समय है 10:25, जो यहाँ पर लग चुकी है। और स्लीपर में हम जा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको दिखाएं इसी तरह से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये अंदर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अंदर का हिस्सा। यह है ट्रेन के अंदर का हिस्सा, काफ़ी खाली खाली सा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सीटें खाली नज़र आ रही हैं। वजह यह है कि यहाँ पर इस रूट में बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। तो अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं देहरादून या मसूरी के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप जा सकते हैं। मसूरी एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से जाती है। अगर आप मसूरी एक्सप्रेस से देहरादून जाना चाहते हैं तो रात पुरानी दिल्ली से 10:25 पे खुलती है और ये आपको सुबह अगले दिन 8:25 पे पहुंचा देती है। टोटल अगर स्टेशंस की बात करें तो तकरीबन 19 स्टेशंस हैं और ये 335 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत आसानी से सफ़र कटेगा आपका, पूरी रात आप सो के जा सकते हैं और सुबह देहरादून एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे बेहतर कोई सफ़र नहीं है। अगर आपके पास 2 या 4 दिन का टाइम है तो आप मसूरी और देहरादून पूरा कवर कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेन जा रही है। खाने पीने के लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आप घर से लेके जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेलवे का खाना इतना अच्छा होता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो बेहतर ये है कि आप खुद घर से लेकर के जाएं और वहाँ खाना खाएं। कुछ ही देर के बाद हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ सीन ट्रेन की विंडो से। जस्ट एंजॉय। Thank you.
सर्दियों में खिली खिली सी धूप, ये आप देख रहे हैं देहरादून है ये, और देहरादून रेलवे स्टेशन पे अभी, और ये हमारी एक्सप्रेस मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है, आधे घंटे लेट थी। अब हम पूरा एक्सप्लोर करके आपको देहरादून बताएंगे, और देहरादून में होटल्स किस रेट में है, कहाँ पर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आप देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और यहाँ पर जो भी हिल्स स्टेशन है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ की फेमस, वो सब आपको कवर करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा और देखते रहिए हमारे साथ देहरादून। ट्रेन से उतरकर आपको ऑटो मिल जाएगा। आप ऑटो से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी सारे होटल्स रेस्टोरेंट हैं। आप वहां जाकर 1200 से लेकर 1500 तक में होटल बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां से पूरा देहरादून और मसूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है देहरादून की गलियां। आगे आपको होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप ज़रूर जाकर विज़िट कीजिए और उनसे पता कीजिए कितने का है। 1200 से 1500 में बहुत बेहतरीन रूम मिल जाएगा आपको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से देहरादून में एक नई जगह पर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। देहरादून की चाय देखते हैं किस तरह की।